Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Yes, we are discussing nomenclature of carbon compounds. From last day, we are discussing nomenclature of carbon compounds containing functional group. Halogens and alcohols, we discussed. In case of halogens, in IUPAC system, the name of the halo group is added in the prefix and then nature of the carbon chain is added in the suffix, like this. If this is a hydrocarbon chain, or agar is chain ke saath hydrogen kahin par bhi replace hua hai by any of the hydrogen, for example chlorine, to hum isko naam IUPAC system mein kaise naam dete hain? Pehle halo group, that is chloro, CHLORO, chloro. Phir count karne hai number of carbon atoms, 1, 2, 3, that is prop. फिर नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन देखना है, दैट इज सिंगल बॉन्ड, दैट इज एन. तो इसका नाम बन गया क्लोरो प्रोपेन. लेकिन इन IUPAC सिस्टम यहाँ पर और एक चीज़ भी जाहिर करनी है कि नंबरिंग देनी है चेन को, और उस कार्बन एटम को लोवेस्ट नंबर आना चाहिए जिस पे ब्रांच निकला हो. यहाँ पर कार्बन नंबर 2, तो इज द करेक्ट नेम इज 2-chloro-propane, 2-chloro-propane. इसी तरह हमने अल्कोहल्स भी डिस्कस किए. अल्कोहल्स का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज OH. अगर किसी एक हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है बट ओ बाय ओ एच, देन दिस इज अ मेंबर ऑफ अल्कोहलिक फैमिली. क्योंकि अब पहले हमें क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि कार्बन कौन सा कंपाउंड था, इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं. इट इज़ वन, दैट इज़ वन इज कॉल्ड मिथ. सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल हैं तो ई रिप्लेस करके इसके बदले लगवाएं ऑल, तो इट इज़ मिथनॉल, मिथनॉल और मिथाइल अल्कोहल. ठीक. इसी तरह अगर इथेन है, अगर दो हाइड्रोकार्बन, दो कार्बन कंपाउंड एटम्स हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में या अल्कोहलिक फैमिली में या मेंबर में, तो फिर दो कार्बन कहते हैं, दो कार्बन अगर कंपाउंड में प्रेजेंट हैं दे आर नेम्ड एज इथ. अगर सिंगल बॉन्ड्स है तो इथेन, ई के बदले ऐड करना है ऑल. तो सिर्फ अल्कोहल में यह याद रखना है, इन द IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर अल्कोहल्स को नाम देने के लिए ई ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन इज रिप्लेस्ड बाई ऑल, ओ एल ऑल. Today we are discussing the nomenclature of aldehydes. The functional group of aldehydes is C double bond O single bond H. C double bond O single bond H indicates that this functional group cannot be in the middle of the chain. ये है कि ना कोई chain, carbon chain है ना मज़बा कोई atoms ऐसे क्यों? क्यों नहीं हो सकता है? जैसे अगर आप यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ डालेंगे तो एच कहाँ से डालेंगे? क्योंकि इसके चार हाइड्रोजन तो आगे, चार वैलेंसीज दो यहाँ पर शेयर हो गई, एक यहाँ एक यहाँ, इसके चार सेट्सफाई हो गई. तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ, लेकिन सिंगल बॉन्ड क्या होना चाहिए? एच. तो ये कैसे आएगा? एक कार्बन एटम को रिप्लेस करना है तो एच. तो इट इंडिकेट्स, पहली इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड्स हैं ये हमेशा चेन के साइड में आते हैं. ठीक, एट द लास्ट एंड ऑफ द चेन, चाहे वो राइट साइड में आप डालें या लेफ्ट साइड में, लेकिन एट द एंड ऑफ द चेन ये फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट होते हैं. ये मिडल में किसी कार्बन एटम के साथ अटैच नहीं हो सकते हैं. शाबाश. अब उसके बाद क्या करना है? अब एल्डिहाइड्स को नाम देना है. द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड अगर हम लेंगे हाइड्रोजन, अब सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ कैसे आएगा? एक ऑक्सीजन एटम अकेला ही दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है और बाकी बराबर है. तो ये बन गया एच सी एच ओ, और इट कैन बी रिटन एज एच सी एच ओ. अब इसका नाम देना है. कॉमनली इट इज़ नोन एज फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड क्या कहते हैं इसे? फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज कॉमन नेम. बट IUPAC नेम जो इसका है, IUPAC सिस्टम के हिसाब से जो इसका नाम है दैट इज, शाबाश. कैसे नाम देना है? ये कौन सा हाइड्रोकार्बन था? मीथेन, क्योंकि एक ही कार्बन है तो हम लिखेंगे मीथेन. क्या लिखेंगे? मीथेन. बट इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स, टू गिव नेम टू द एल्डिहाइड्स, दे आर डेराइवेटिव्स, ये हाइड्रोकार्बन से डेराइव होते हैं. पहली बात, हाइड्रोकार्बन को रिकॉग्नाइज करना है कि कार्बन एटम कितने हैं. अगर एक हैं तो मीथेन, अगर दो हैं तो इथेन, तीन है तो प्रोपेन, चार होते ब्यूटेन. लेकिन फिर क्या करना है कि अल्केन चेन का जो ई है, ई इज़ टू बी रिप्लेस्ड. एल्डिहाइड्स में ई ऑफ द अल्केन चेन इज रिप्लेस्ड बाय ए एल एल. बस जैसे अल्कोहल्स में ओ एल, एल्डिहाइड्स में याद रखना है ओ एल. तो इसका नाम क्या बनेगा? इट वाज मीथेन, लेकिन चूंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, इट इज मिथनॉल. वो मिथनॉल इज IUPAC नेम एंड फॉर्मल्डिहाइड इज कॉमन नेम.
सेकंड मेंबर इसी फैमिली का सेकंड मेंबर अगर हम लेंगे तो सेकंड मेंबर क्या हो सकता है, जैसे सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एच, तो एक ही साइड से इसको चेन एक्सटेंड हो सकती है। अगर अख मेंबर बे गैस ऐड, अख कार्बन एटम बे गैस ऐड, ये क्या बने फार्मूला CH3CHO। अब कितने कार्बन एटम्स हैं, दो, दो को क्या कहते हैं इथ, सिंगल बॉन्ड्स है ना बीच में तो कहेंगे एम, लेकिन अब चूंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप हैं डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एच तो ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का नाम जाहिर करने के लिए क्या है AL, तो ये क्या बन गया इथनल। और इसका कॉमन नाम, जो कॉमन नेम है दैट इज एसिटल, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। ये आसान है, सिर्फ आपको आईपी सिस्टम में याद रखना है, अल्कोहल में ई के बदले ओ एल डालना है और अल्डिहाइड में ई के रिप्लेस करके ए एल लिखना है। थर्ड मेंबर अगर इसी फैमिली का लेते हैं, थर्ड मेंबर कौन आएगा, इट्स सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, बन गया ये अल्डिहाइड फैमिली का मेंबर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आ गया सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। अब इस मेंबर में ये फर्क है कि अब इसमें तीन कार्बन एटम हैं, तीन कार्बन एटम को क्या कहते हैं प्रॉप, सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एम, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड्स का इसलिए ई को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे एल, तो क्या बन गया प्रोपेनल, क्या बन गया प्रोपेनल, या कॉमनली इट इज नोन एज प्रोपेनाइल्डिहाइड, प्रोपेनाइल्डिहाइड, अगर ये भी कुछ याद रखेंगे तो बेहतर है, लेकिन आपको इस नाम के लिए जैसे गर्ज है यहाँ पर ई रिप्लेस करना है बाई एल। शाबाश, अब इसको आप नाम दीजिए, अब ये बन गया अल्डिहाइड मेंबर, अल्डिहाइड फैमिली का मेंबर, क्योंकि अब इसमें आ गया फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। शाबाश, इसका नाम क्या देंगे, शाबाश, यहाँ पर नंबरिंग देनी जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि यह हमेशा पहले ही आता है, तो इसका यहाँ पे भी आएगा वन इथेनॉल टू, वन प्रोपेनॉल वन ब्यूटेनॉल, ये बीच में आ ही नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर नंबरिंग जरूरी नहीं है। शाबाश, हाँ अब देखिए यहाँ पर क्या नाम देंगे इसको, कितने कार्बन एटम्स हैं चार, चार क्या कहते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड्स हैं तो क्या कहेंगे एन, लेकिन ई को रिप्लेस करके क्या लगाना है एल एल, इसका क्या बन गया ब्यूटेनॉल, तो इसका जो कॉमन नेम है दैट इज ब्यूटेनॉल्डिहाइड, 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 ठीक है। तो इस तरह याद रखेंगे कि अल्डिहाइड्स को नाम देने के लिए ई ऑफ द हाइड अल्केन चेन इज रिप्लेस्ड बाय ए एल, ई ऑफ द कार्बन चेन इज रिप्लेस्ड बाय ए एल, मीथेन विल बिकम, अगर मीथेन का डेराइवेटिव है तो मिथेनॉल बनेगा, अगर इथेन का डेराइवेटिव है तो इथेनॉल बनेगा, अगर प्रोपेन का डेराइवेटिव है तो प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल एंड सो ऑन, ठीक। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कीटोन, कीटोन, कीटोन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है अगर आपको याद हो क्या है सी डबल बॉन्ड ओ, बस सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड यहाँ से भी आर, यहाँ से भी आर, आर मीन्स कार्बन चेन, कार्बन चेन, तो यहाँ से भी कार्बन चेन ऐड हो सकती है, यहाँ से भी कार्बन चेन ऐड हो सकती है। यह याद रखना है कि मीथेन कैन नॉट बी टर्नड इनटू कीटोन, क्योंकि मीथेन में अगर हम लगाएंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, तो फिर यहाँ से अगर हम लगाएंगे एच और एच तो ये क्या बन गया अल्डिहाइड, तो मीथेन का कीटोन नहीं हो सकता है, मीथेन का कोई मेंबर कीटोन फैमिली का मेंबर नहीं हो सकता है। इथेन, इथेन का कोई मेंबर, आप देखिए अगर इथेन में हम किसी भी जगह लगाएंगे डबल बॉन्ड ओ तो सिंगल बॉन्ड क्या है आएगा यहाँ से एच, यहाँ से अगर हम कार्बन ऐड करेंगे तो प्रोपेन बनेगा, इथेन नहीं रहेगा, तो यह है एच एच और एच। अब सिंगल बॉन्ड ओ यहाँ से क्या आ गया एच, ये बन गया अल्डिहाइड, ये कीटोन नहीं है, तो इथेन का भी कीटोन, इथेन का भी कीटोन कोई मेंबर नहीं बन सकते, यानी इथेन फैमिली का भी कोई मेंबर कीटोन नहीं बन सकता है। लेकिन अब आगे जाते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये बन गया सी डबल बॉन्ड ओ, बीच के जो कार्बन एटम है इसके दो वैलेंसीज हैं हाइड्रोजन के साथ, अगर तुम हाइड्रोजन जैसे अगर हाइड्रोजन डालते हैं ना हाइड्रोजन यथकस वैलेंसी से हाइड्रोजन से शेयर करें जो यम जो हाइड्रोजन अगर ये रिप्लेस गए किम से ऑक्सीजन से क्या बन गया सी एच थ्री, ये बन गया सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री,
इट इज आर ओ आर सी ओ आर, आर मीन्स कार्बन चेन, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से भी कार्बन चेन। तो द सिंपलेस्ट कीटोन जो है, सबसे छोटा कीटोन जो हो सकता है, दैट इज सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। इससे स्मॉलेस्ट कीटोन पॉसिबल नहीं है, सिंपलेस्ट कीटोन। अब जब इसको नाम देना है, इसका आयुपेक नाम जो है, आयुपेक नाम में क्या करना है, पहले कार्बन एटम्स काउंट करने हैं, वन टू थ्री, तीन को क्या कहते हैं, प्रोब। तो सिंगल बॉन्ड सी हर जगह है कार्बन के बीच, कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड, तो इट इज एन। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, कीटोन्स में ई फिर रिप्लेस करना है, अल्केन्स का जो ई है वो फिर रिप्लेस करना है, ई इज टू बी रिप्लेस्ड बाय ओ एन ई वन, ई के बदले क्या लिखना है, ओ एन ई वन। जैसे प्रोब ई लिखो, इनके बल लिखो ओ एन ई वन, क्या बने हो, प्रोपेनोन। ये क्या बन गया, इसका आयुपेक नाम, आयुपेक नामन क्लेचर में इसका नाम बन गया प्रोपेनोन। हाउ कैन वी राइट द नेम ऑफ दिस प्रोपेनोन, हाउ कैन वी डिराइव द नेम ऑफ दिस प्रोपेनोन, बाय रिप्लेसिंग ई ऑफ द अल्केन विथ ओ एन ई ओन, ओ एन ई ओन। तो ये क्या बन गया, प्रोपेनोन। कॉमनली अगर हम इसको कॉमनली कहते हैं, तो ये बीच में जो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये है कीटोन। ठीक, इस कीटोन, ये जो कीटोन है ना, कीटोन ये है सी डबल बॉन्ड ओ, ये मैं मिथाइल, ये मैं मिथाइल, तो इसको हम ये कह सकते हैं, इट इज डाई मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन। इसको हम कह सकते हैं मिथाइल मिथाइल कीटोन, या कह सकते हैं डाई मिथाइल कीटोन इन द कॉमन नेमन कलेचर। कॉमन नेम तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये कीटोन कौन सा ग्रुप इसमें कीटोन को रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन है। बाकी क्या है, यहाँ से क्या है सी एच थ्री, सी एच थ्री को क्या है मिथाइल, यहाँ से भी क्या है मिथाइल, तो ये बन गया मिथाइल मिथाइल कीटोन, या हम कहेंगे सीधे डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। चलो आज अब दूसरा मेंबर इसका देखते हैं, तो इसमें कितने कार्बन एटम्स होने, चार, इससे ज़्यादा तो एक आएगा ना, गए चार। अब कीटोन बनाना है किसी एक जगह, या इस कार्बन एटम पे या इस कार्बन एटम पे, जहाँ पे आपकी मर्जी आ जाए। अगर ये भी हाइड्रोजन से गैस रिप्लेस, क्या बन सी डबल बॉन्ड ओ, बन गया कीटोन। अब ये पूरा मेंबर अभी तक ब्यूटेन था, लेकिन अब बन गया कीटोन, क्योंकि इसके बीच में आ गया फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ। अब कौन सा कीटोन बन गया, किसका कीटोन बन गया, ये बन गया किसका कीटोन, ब्यूटेन का कीटोन, ये ब्यूटेन था, ये ब्यूटेन का कीटोन बन गया। ठीक, अब कहाँ पर बन गया कीटोन, चलो ये तो यहाँ पर है कि ये बीच में रहता है। अब बीच में कौन से कार्बन पे कीटोन आ गया, तो इसको नंबरिंग करनी है कार्बन चेन को, कार्बन चेन को नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से इस कार्बन को समा लेस्ट नंबर आए, जिसको का कीटोन ग्रुप अटैच हुआ है, दैट इज वन टू थ्री फोर, हम इसे कहेंगे टू ब्यूटेन। ई को रिप्लेस करते क्या लगाएंगे, तो क्या बन गया, टू ब्यूटेनोन। तो ये क्या है, टू ब्यूटेनोन, इट इज आयुपेक नेम। तो कॉमन नेम इसका क्या है, शाबाश, कॉमन नेम में क्या है, अब आपको कॉमन नेम कैसे देना है, देखो सिंपल है, कीटोन ग्रुप कौन सा है, सी एच सी डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ इसको क्या है, यहाँ से क्या अटैच हुआ है सी एच थ्री, यहाँ से क्या अटैच हुआ है सी एच थ्री सी एच टू, सी एच टू सी एच थ्री, यानी दो कार्बन, दो कहते हैं इथाइल, यहाँ से क्या है मिथाइल, तो एक तरफ है इथाइल दूसरी तरफ है मिथाइल। तो हम पहले किसका नाम देते हैं, जिसका अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो हम इसको यही रख सकते हैं इथाइल डैश मिथाइल, इथाइल मिथाइल क्या कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। तो फिर जब इथाइल मिथाइल लिखा, फिर ब्यूटेनोन नहीं लिखना है, क्योंकि इथाइल तो आ गया, मिथाइल भी आ गया। अब जो कीटोन है, कीटोन इज रिप्रेजेंटेड बाई सी डबल बॉन्ड, तो ये बन गया इथाइल मिथाइल कीटोन, इट इज कॉमनली नेम, बट इन आईपीएक सिस्टम इट इज नेम्ड एज टू ब्यूटेनोन, टू ब्यूटेन, ये ब्यूटेनोन है, ये चार कार्बन एटम है, लेकिन उन चार में से कार्बन नंबर टू पे डबल बॉन्ड ओ है। जैसे यहाँ पर कितने कार्बन एटम्स हैं, फाइव, कितने कार्बन एटम्स हैं, फाइव। अब यहाँ पर चॉइस है आपको कि सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे भी आ सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे भी आ सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे भी आ सकते हैं। इन तीन में से किसी भी कार्बन एटम में ऑक्सीजन रिप्लेस कर सकता है हाइड्रोजन एटम्स को, अगर यहाँ पे रिप्लेस होता है तो क्या रहता है, ये बन गया कीटोन। क्यों बन गया कीटोन, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया सी डबल बॉन्ड ओ। अब जब ये कीटोन बन गया, तो हम इसको पहले आयुपेक नेम देते हैं, इसमें कीटोन के कार्बन कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक,
आप नंबर देंगे इस चेन को वहाँ से जहाँ से इस कार्बन को स्मॉलेस्ट नंबर मिले जिस पे डबल बॉन्ड ओ है यानी कीटोन है, दैट इज 1 2 3 1 2 3 एक सी बात है 1 2 3 4 5 शाबाश। किस कार्बन एटम पे कीटोन है? 3 कार्बन एटम पे 3, लेकिन टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं चेन में? 5। 5 को क्या कहते हैं? पेंटेन। कीटोन में क्या करना है? ई इज रिप्लेस्ड बाई ओ एन ई, क्या बन गया? 3-pentanone, 3-pentanone, क्या बन गया ये? 3-pentanone, यानी कार्बन नंबर 3 पे अटैच है कौन सा ग्रुप? कीटोन, कीटोनिक ग्रुप। एंड कॉमन नेम इसका क्या है शाबाश? अब कॉमनली इट इज कीटोन। यहाँ से अटैच क्या है? CH2, CH3, यानी दो कार्बन एटम वाला हाइड्रोकार्बन, दो को कहते हैं इथाइल। यहाँ से भी दो कार्बन, यहाँ से भी इथाइल, तो ये बन गया इथाइल, इथाइल कीटोन। जब दोनों सेम है तो हम कह सकते हैं डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन। तो इस तरह हम कीटोन्स का नाम दे सकते हैं। एन आईयूपीएक सिस्टम, उनमें ई रिप्लेस करके ओ एन ई लगाना है, और इन कॉमन सिस्टम आपको ये देखना है कि सी डबल बॉन्ड और कीटोनिक ग्रुप है। राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आपको कार्बन एटम्स अलग से काउंट करने हैं। इन्हें राइट साइड में आर के बल्ले कितने कार्बन एटम आए हैं? अगर एक आया है तो मिथाइल, दो आए हैं तो इथाइल, तीन आए हैं तो प्रोपाइल, चार आए हैं तो ब्यूटाइल। अगर लेफ्ट साइड में दो हैं तो इथाइल, तीन है तो प्रोपाइल, चार है तो ब्यूटाइल। तो आपको ऐसे ही काउंट करना है, फिर उसी का नाम पहले लिखना है जिसका एल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आता है। जैसे यहाँ पर इथाइल मिथाइल कीटोन, यहाँ पर यहाँ से भी इथाइल, यहाँ से भी इथाइल अटैच हुआ है कीटोन को, तो हम कैसे इसे इस कीटोन का नाम है डाई इथाइल कीटोन। तो इस तरह कीटोन्स का नाम के लेचर भी शायद आपको समझ आया होगा। और लास्टली बट नॉट लीस्टली इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक फंक्शनल ग्रुप जो है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच। अब ये समझो यहां पर क्या ये बीच में चेन में आ सकता है? क्या किसी चेन के बीच में ऐसा आ सकता है सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड ओ एच? नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन आल्सो बी फाउंड ओनली एट द एज ऑफ द चेन, यह हमेशा पाए जाते हैं एट द लास्ट एंड ऑफ द चेन, चाहे वो राइट साइड में हो लेफ्ट साइड में हो, लेकिन ये चेन के आखिर पे ही एग्जिस्ट हो सकते हैं। एक ही तरफ है क्या कार्बन चेन अटैच गैसेस, दैट इज वाई कि एम से वन लास्टस पे, बिकॉज दे आर हैविंग दिस फंक्शनल ग्रुप एज सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। ठीक, आर सी ओ ओ एच, यानी जनरल फार्मूला में करेंगे आर मीन्स कार्बन चेन, आर सी ओ ओ एच। अब पहले देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन, इसमें एक कार्बन एटम है। अगर जो हाइड्रोजन गसन रिप्लेस बाई ऑक्सीजन, ब्याह हाइड्रोजन रिप्लेस बाई किम से ओ एच से, अत कस रोज अख, जैसे ये ऐसे था हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इफ दीज टू आइटम्स आर रिप्लेस बाई ऑक्सीजन बन गया सी डबल बॉन्ड ओ, दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाई ओ एच तो बन गया सी ओ एच, अत क्या रोज एच। तो ये क्या बनाओ यथ मज कुछ फंक्शनल ग्रुप सी ओ ओ एच, तो ये बन गया एसिड। अब ये अभी तक मीथेन था, लेकिन ये अब कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का सबसे छोटा मेंबर बन गया। इस सबसे छोटे मेंबर को जब नाम देना है, तो सबसे छोटे मेंबर का जब हम नाम देते हैं जो इसका आईयूपीएक नेम है, आईयूपीएक नेम में क्या करना है, फिर अल्केन का ये याद रखना है, अल्केन का ई रिप्लेस करके इसमें लगाना है ऑयिक एसिड, ई के बल्ले लगाना है ऑयिक एसिड। जैसे ये कितने कार्बन एटम इसमें है? वन, वन इज कॉल्ड मिथ, सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन। अब ई नहीं लिखना है, ई के बाले क्या लिखना है? ऑयिक एसिड, ऑयिक एसिड। तो क्या नाम बन गया? मिथनॉइक एसिड। क्या नाम इसका बन गया? मिथनॉइक एसिड। और इसका जो कॉमन नेम है दैट इज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। शाबाश। इसी तरह दूसरा मेंबर लेते हैं, दूसरे मेंबर में इसमें तीन हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इफ टू ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर डिस्प्लेस्ड बाय ऑक्सीजन, वन ऑक्सीजन हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड बाय ओएच, तो बन गया सी ओ ओ एच, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो इथेन था, अब इथेन नहीं रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड मेंबर फैमिली का मेंबर बन गया, लेकिन इस मेंबर में कितने कार्बन एटम्स हैं? दो, दो को क्या कहते हैं? इथेन। इथ सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, लेकिन ई नहीं लिखना है ई के बदले, क्योंकि एसिड ग्रुप इसमें है, तो इसमें एसिड ग्रुप को जाहिर करने के लिए क्या लगाना है? ऑयिक एसिड। तो क्या बन गया? इथनॉइक एसिड। तो फार्मूला क्या है? CH3COOH, CH3COOH इज कॉल्ड इथनॉइक एसिड, और इट इज नोन एज कॉमनली इट इज नोन एज एसिटिक एसिड।
तो एसिटिक एसिड का क्या है फार्मूला फिर CH3, यानी इस कार्बन के साथ कितने CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, तो एसिटिक एसिड है इसका कॉमन नेम। शाबाश। इसी तरह आगे चलते हैं, तीन कार्बन एटम्स वाला, अगर ये फंक्शनल ग्रुप इसमें है COOH तो ये बन गया किस फैमिली का मेंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली का मेंबर। अब इसको जब नाम देने हैं तो पहले क्या काउंट करना है, कार्बन एटम्स 1, 2, 3 को कहते हैं प्रोपेन, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, तो उसको जाहिर करने के लिए एन ई रिप्लेस करके क्या लिखना है, OIC ऑयक ACID एसिड, तो क्या बन गया, शाबाश, क्या बन गया, प्रोपेनॉइक एसिड। प्रोपेनॉइक एसिड इज कॉमनली आल्सो नोन एज प्रोपेनॉइक एसिड, इसका कॉमन नेम भी है प्रोपेनॉइक एसिड, शाबाश। और एक एग्जांपल लेते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, शाबाश, हाइड्रोजन डालिए, अब इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 4, 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, लेकिन ई को रिप्लेस करना है क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है COOH, तो ऑयक एसिड, क्या बन गया, ये आसान है, सिर्फ याद रखना है कि कहाँ पर क्या ई को किस से रिप्लेस करना है, वही याद रखना है। इट इज़ नोन एज ब्यूटानॉइक एसिड, और इसका कॉमन नेम जो है वो भी आप याद रखेंगे, दैट इज ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। तो एसिड्स का आपको जनरली ये याद रखना है कि एसिड्स कंटेन COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज COOH। अब जिस भी हाइड्रोकार्बन एटम में आप, जिस भी कार्बन कंपाउंड में आपको दिखाई दे कि वहाँ पर मौजूद है लास्ट पे सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड OH, तो आपको ये समझना है ये जो कार्बन कंपाउंड है इट इज अ फैमिली मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसको नाम लेने के लिए आपको काउंट करने हैं कार्बन एटम्स, फिर कार्बन एटम्स काउंट करके उसका नाम लेना है, जैसे मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट, ठीक, और फिर एसिड को जाहिर करने के लिए ई को रिप्लेस करते ऑयक एसिड लगाना है, तो इस तरह आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स का IUPAC नेम ले सकते हैं। तो कॉमन नेम्स आपको याद रखने हैं, जैसे फार्मिक एसिड कहते हैं पहले मिथनॉइक एसिड को, एसिटिक एसिड कहते हैं इथनॉइक एसिड को, प्रोपेनॉइक एसिड कहते हैं प्रोपेनॉइक एसिड को, ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं ब्यूटानॉइक एसिड को, इसी तरह जो इसके बाद पेंटानॉइक एसिड आएगा दैट इज कॉमनली नोन एज वैलरिक एसिड, वैलरिक एसिड, ठीक, इसी तरह जो इसके बाद हेक्सानॉइक एसिड आएगा दैट इज नोन एज कैप्रॉइक एसिड, कैप्रॉइक CAPROIC कैप्रॉइक एसिड, इसी तरह आगे कॉमन नेम्स अलग अलग हैं क्योंकि कॉमन नेम्स डेराइव किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ऑरिजन, उनका कोई सिस्टमैटिक ऑर्डर नहीं है, सिस्टमैटिक ऑर्डर का जो नॉमेनक्लेचर दैट इज IUPAC सिस्टम। यहाँ पे आपको याद रखना है सिर्फ कार्बन एटम काउंट करने हैं, फिर हाइड्रोकार्बन चेन का नाम देना है, अल्केन या अल्कीन हो, लेकिन ई रिप्लेस करके ऑयक एसिड लगाना है, तो आपका हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बोक्सिलिक एसिड्स का नाम वहाँ पे हासिल होगा। दिस इज़ ऑल फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, होप यू अंडरस्टैंड, सी यू टुमारो अगेन इंशाल्लाह, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।